तहरीक इंसाफ का लाहौर में आज दोबारा रैली निकालने का ऐलान। इमरान खान जमान पार्क से क़यादत करेंगे, मंजिल दाता दरबार होगी। जिला इंतजामी ने मशहूर इजाजत दे दी। इंतजामियों को पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात, वाजे कर दिया। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाजत नहीं होगी। रैली शाम 5:30 बजे खत्म कर दी जाएगी। रास्ते में आने वाले तमाम तालीमी इदारे और दुकानें बंद रहेंगी। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद दफा 144 का नफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, पंजाब हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया। गोशाखाने से किसने क्या लिया, वफाकी हुकूमत ने 21 साल का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, इमरान खान और वफाकी वजरा फहरिस्त में शामिल। 10,000 रुपए से कम मालियत के बेशतर तहाइफ वसूल कुनंदगान ने कानून के मुताबिक बगैर अदायगी के ही रख लिए। रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान को 10,09,00,000 रुपए की कीमती तहाइफ मिले, 8,50,00,000 रुपए की इंतहाई कीमती घड़ी भी शामिल। चेयरमैन पीटीआई ने 2,01,78,000 रुपए देकर तहाइफ हासिल किए। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेड हैं, आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। तोशाखाना फौजदारी केस की समाप्त के दौरान वकील ख्वाजा हारिस का मौकफ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हाजिरी की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन की शिकायत को नाकाबिले समाप्त करार देने की इस्तदा। सत्रह फरवरी को कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के मास्टर माइंड समेत 2 दहशतगर्द सीटीडी से मुकाबले में हलाक। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट, 5 हथियार और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। इंचार्ज सीटीडी उमर खिताब के मुताबिक कार्रवाई नॉर्दर्न बाईपास मंगोपीर में खुफिया इतला पर की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम टीटीपी सजना ग्रुप से है।